कर्नाटक में अपने नेताओं पर बीजेपी कांग्रेस को भरोसा नहीं, निजी एजेंसी को लगाया जिताऊ उम्मीदवार की तलाश में। 2 महीने में कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाला है। टिकट बंटवारे से पहले जिताऊ कैंडिडेट को कंफर्म करना बड़ी चुनौती है। टिकट के दावेदार नेताओं को इम्प्रेस करने और जनता को लुभाने की कवायद में जुट गए हैं, तो दूसरी ओर ये दावेदार कितने दमदार हैं, ये जानने के लिए पार्टी निजी एजेंसियों की मदद ले रही है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही रिपोर्ट की माने तो उम्मीदवारों के चयन से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों ने निजी एजेंसियों से सर्वे को मंजूरी दी है। कुछ विधानसभा क्षेत्रों में जाति आधारित सर्वे कराए जाने की भी जानकारी मिल रही है, ताकि लोगों का मूड भांपा जा सके। कांग्रेस प्रत्याशियों के चयन पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, AICC के महासचिव सी वेणुगोपाल, प्रदेश अध्यक्ष जी परमेश्वर नजर बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवारों के चयन का फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार BS येदियुरप्पा अपने करीबी नेताओं की सिफारिश अमित शाह से कर तो रहे हैं, लेकिन खबरों की माने तो शाह अपने नेताओं के फीडबैक से ज्यादा खुद से कराए जा रहे सर्वे पर निर्भर कर रहे हैं। बीजेपी के एक पूर्व मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमें तो अभी तक यह भी पता नहीं कि सर्वे का नतीजा क्या आया है। हमें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारा काम उन सीटों पर पार्टी की जीत पक्की करना है। कर्नाटक की 244 विधानसभा सीटों में से करीब 128 सीटों पर बीजेपी कभी न कभी जीत हासिल कर चुकी है। बाकी 100 सीटों से जिताऊ उम्मीदवार की खोज बड़ी चुनौती है। कांग्रेस को भी करीब 40 सीटों पर ऐसी ही समस्या से जूझना पड़ रहा है। पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक के साथ साथ जीत की संभावनाओं को और बेहतर करने के लिए अगर निजी एजेंसियों के सर्वे का सहारा ले रही है, तो सूबे में सरकार बनाने को लेकर जोरदार चुनावी टक्कर देखने को मिल सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।